नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। 21वीं सदी में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे मदरसों को यूपी सरकार एक नई पहचान देने जा रही है। योगी कैबिनेट बैठक से मदरसा शिक्षा में बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद अब छात्रों को दीनी तालीम के साथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा दी जाएगी। तालीम में घटती गुणवत्ता को लेकर चिंतित मदरसा बोर्ड ने यह प्रस्ताव सरकार को दिया और अब मदरसों में हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर के साथ साथ सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर पढ़ाई होगी। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर एक तरफ सरकार संजीदा तो नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा उठता है कि क्या सरकार ने पूरी तैयारी के साथ ये नियम लागू किया है। जी हाँ, जो बदलाव किया गया है, क्या सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? जो बदलाव है उसके लिए मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी शिक्षकों की तैनाती की क्या होगी नीति, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मदरसों में समान आधार पर लागू हो पाएगा नियम, ये बड़ा नियम है। संसाधनों की कमी के चलते क्या ये व्यवस्था लागू कर पाएंगे मदरसे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है संसाधनों की कमी लगातार देखने को मिल रही है मदरसों में। और ऐसे में सवाल ये कि सहायता प्राप्त और निजी मदरसों में समान आधार पर कैसे लागू होगा, क्या सरकार करा पाएगी, संसाधनों की कमी कैसे पूरी होगी, ये बड़ा सवाल। एक अहम सवाल ये खड़ा उठता है कि एनसीईआरटी पैटर्न लागू होने से क्या बदलेगा मदरसों में शिक्षा का स्तर, और एक बड़ा सवाल ये कि मदरसे आसानी से स्वीकार कर पाएंगे दीनी तालीम में बदलाव, क्योंकि क्या ये आसान होगा। और एक अहम सवाल, बड़ा सवाल, आखिरी सवाल ये कि मदरसों में बदलाव विकास की पहल या फिर राजनीतिक एजेंडा। कई बड़े सवाल आज अखाड़ा ऐसे ही तमाम सवालों पर होगा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर कुछ बयान आपको सुना दें। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी की विषयवार कक्षावार पाठ्यपुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए। ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि भाषा का माध्यम उर्दू के साथ साथ हिंदी तथा अंग्रेजी भी हो, यानी कि जो माध्यम है तो मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय फैसला कैबिनेट ने लिया है, योगी सरकार ने, और इसका बहुत बड़ा और इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बच्चे बच्चियां जो मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं वो इस एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को भी जोड़कर जब चलेंगे तो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा मिलेगी, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे, आगे तमाम उनके रास्ते खुलेंगे। सरकार का एक रुख हो गया है कि वो जब से सरकार बनी है, जब से खासतौर पे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और हर तरीके की सियासत को मदरसों के अंदर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास और बहुत से काम हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान दे तो एक बेहतर रिजल्ट हमारे सूबे की आवाम के सामने आ सकता है। लेकिन बिला वजह के और बेमकसद के शगुफे छोड़ना और बार बार मदरसों को टारगेट करना, मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पर ज़रूर सवाल उठाता है कि आखिरकार इन मदरसों को टारगेट करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है और क्या साबित करना चाहती है। विरोध करने वाले इसका विरोध भी कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे परिचय आपका कराना चाहेंगे। विवाह शुक्ला जी प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, आसिफ रिजवी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मतीन खान जी अध्यक्ष मुस्लिम लीग के, और थोड़ी ही देर में नरेंद्र सिंह राणा जी भारतीय जनता पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे, और मानस श्रीवास्तव जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे। मतीन जी, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि वाकई 21वीं सदी में भी आज भी जो अपने वजूद के लिए लगातार मदरसे संघर्ष कर रहे थे, एक बड़ी पहल सरकार की? देखिए, मदरसे तो जो लोग ये कह रहे हैं 21वीं सदी में, वो तो बहुत पहले ही से 21वीं सदी में है। हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ बच्चे, इवन संस्कृत भी हमारे यहाँ कुछ मदरसे जो संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पिछले ज़माने में हम बैठे हुए हैं, हमने तो वो कुरान पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं और तफसीर बयान कर रहे हैं, जो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो आज बता रहे हैं 1400 साल के जो मामलात हैं वो सामने ले करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक बात है कि जो ये इस वक्त मौजूदा सरकार है वो कह रहे हैं कि वो हाथी के दांत लेकर के आ गई है, दो वो साहब लगे हैं काम कोई नहीं करेंगे, दिखेंगे बड़े बड़े ये हुए हैं दांत। किताब एनसीईआरटी बुक्स लगेंगी, भाई किसने ऑब्जेक्शन किया कि आप एनसीईआरटी की बुक्स लेना लगाएं?
मगर आप ये भी तो देख लें, अपने गिरबान के अंदर मुंह डाल के भी तो देख लें कि आपने जो साइंस टीचर जो जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाने के लिए जो टीचर मुतय्यन कर रखे हैं, जो 5,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं जिनकी तनख्वाहें देने के लिए 3 साल हो रहे हैं मैडम, 3 साल से आज तक तनख्वाह नहीं दी गई है, वो तो खुदकशी हराम ना होती तो अब तक के हर रोज हमारे मदरसे के बच्चे असातिज़ा जो है रोज खुदकशी कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऐसे हालात हैं कि जिसकी वजह से हम खुदकशी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे टीचर्स आज उनके बच्चे मतीन खान योगी सरकार को तो अभी 1 साल ही हुआ है, बाकी 2 साल आपकी सरकार के लिए भी एक बड़ा निशाना। आखिर क्यों टीचरों को आपने भी मानदेय नहीं दिया? राज्यांश था हमारी सरकार का जो मदरसों में 2,000 रुपए हमारी सरकार ने हमेशा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने पैसे को इनको नहीं दिया है मदरसों को, उन्होंने अपने कार्यभार से इनको वंचित रखा है विशेष टारगेट बना के। मैं कहूँगी कि मोदी जी ने एक भी पैसा मदरसों को नहीं दिया है, और समाजवादियों ने जो राज्यांश था वो इनका देते चले आए हैं, कई बार उनसे आग्रह भी किया गया है लेकिन इस पर कोई गौर तलब नहीं किया गया है। और जो शिक्षा सुधारने की बात है, शिक्षा शिक्षकों से सुधरती है, यदि शिक्षकों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे उचित शिक्षा दे पाएंगे? लेकिन 3 साल में 2 साल की जवाबदेही तो आपकी हुई ना विभा शुक्ला जी। देखिए जो मैं आपको बता जो मतीन जी 3 साल गिना रहे हैं उसमें 2 साल का हिसाब तो आप दीजिए। मैं दे रही हूँ जो राज्य का अंश था मदरसों को, जो राज्य सरकार देने वाली थी वो इनको हमेशा दिया गया है, 2,000 रुपए हमारी तरफ से दिया गया है, लेकिन बाकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी जो उन्होंने नहीं दी है। राज्य सरकार ने और क्या कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जो सरकार से जो दिया जाना था जो पैसा वो टोटल इनको दिया गया है। ये साइंस टीचर का जो पैसा होता है मैडम, ये केंद्रांश होता है 10,000 और 12,000, 8,000 और 12,000 रुपए ये भारत सरकार देती है। वो साइंस टीचर जिसको कहते हैं वो भारत सरकार देती, जब से योगी सर मोदी सरकार आई है जब से उसने वो पैसा बिल्कुल बंद कर दिया, अंकुश लगा दिया है। फिलहाल जो फैसला हुआ है, जो आदेश दिया गया है, जो एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया गया है, उसकी तो आप सराहना करते हैं। अब आप अच्छा फैसला है आपके लिए या खोप दिया गया? नहीं होगा, हम तो ऑलरेडी वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस तो पढ़ा ही रहे हैं, जो तमाम मदरसे हैं जो साइंस टीचर इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर तो पढ़ा ही रहे हैं, तो ये खाली शगुफा करने क्या? अरे मदरसों की चौपाल लगाएं और उनसे पूछें कि क्या परेशानी, अगर वाकई में हमदर्दी रखती भाजपा सरकार और उनके पूछ करके उनको वाकई में उनके जो जायज हुकूक हैं वो उनको हुकूक अदा करें, फिर देखें कि हम कॉन्वेंट स्कूल से भी ज्यादा अच्छी तालीम दे सकते हैं हमारे मदरसे। हमने यहाँ पर स्कूल के मदरसों के बच्चों ने बहुत आगे देश का नाम रोशन किया, बहुत आगे पढ़ करके निकले। मानस जी जो आज जो कल फैसला हुआ कैबिनेट की बैठक में कि एनसीईआरटी पैटर्न भी लागू होगा, जो हम फिलहाल जो हालात मदरसों में देख रहे हैं वो बेहद ही बद से बदतर हो रहे हैं। मतीन जी भी कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है लेकिन एनसी पैटर्न आप लागू कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये कि जो सरकार ने नियम लागू किया क्या पूरी प्रिपरेशन के साथ किया, कि आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तैयार थी? देखिए बहुत समय से इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि जो मदरसे हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि कोई आदमी ये कहे कि कंप्यूटर और कुरान एक साथ होना चाहिए, ये अच्छी बात भी है और सरकार अगर इसको कर रही है तो ये बेहतर एक पहल होगी, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ख़ासतौर पर जो बुनियादी शिक्षा की जो बात है उसके हालात कितने घटिया स्तर के हैं, इसको लेकर के हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्थिति अभी नहीं है, ये स्थिति सालों साल से चली आ रही है। दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करते हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत पीछे आता है और ख़ासतौर से अगर गुणवत्ता की बात करें तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है उत्तर प्रदेश। ये स्थिति प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक का ये स्थिति बनी हुई है। अब आप कह रहे हैं कि कुरान भी पढ़ाई जाए, कंप्यूटर भी पढ़ा जाए मदरसों में, एनसीईआरटी का सिलेबस भी लागू हो जाए, तो उसके लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो मदरसे हैं उनको उनके जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जाए? शिक्षकों की भर्ती एक मसला हो सकता है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के अलावा जो उनकी बिल्डिंग है उसके लिए किस तरीके के इंतज़ाम किए जाने चाहिए? जाहिर सी बात है जब आधुनिक शिक्षा होगी तो मदरसों में तादाद बढ़ेगी स्टूडेंट्स की, तो उनके बैठने का क्या इंतज़ाम होगा? बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उनके लिए क्या इंतज़ाम होगा? किताबें आप देख रहे हैं कि
जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है वो किताबें तक पूरी तरीके से नहीं बांट पा रही है। जूते और मोजे का देखा हम लोगों ने किस तरीके से योजना में कितनी खामियां हम लोगों को दिखाई पड़ी। तो सवाल इस बात का है कि आप किसी भी इमारत को आप तब खड़ी करते हैं जब उसकी पहले आप बुनियाद ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर बुनियाद की कोई बात ही नहीं कर रहा, इमारत के सपने दिखाए जा रहे हैं। आसिफ रिजवी जी, बुनियाद की हम बात करें तो जो स्थिति आज बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल तो कांग्रेस का भी रहा। क्या आपने कभी मदरसों के लिए हटके सोचा कि जो स्थिति है इसमें बदलाव लाया जाए? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये बात डिबेट शुरू करने से पहले, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि जनता के लिए कुछ काम करे, गुमराह ना करे। मिनी आईटीआई ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपीए सरकार ने, यूपीए 2 ने दी हुई थी जो मदरसों में चल रही थी, और मिनी आईटीआई के अंदर ये सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल थे जो रन कर रहे थे। जब से मोदी सरकार आई है उसको उसका पैसा देना उन्होंने बंद कर दिया है। जो शिक्षा ऑलरेडी चल रही है वहाँ पे कंप्यूटर भी है, वहाँ पे साइंस भी है, वहाँ पर मैथ भी है, उसके टीचर भी थे, वो थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे थे, आपने उसको बंद कर दिया। पिछले 3-4 साल से आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। हालत ये है, आप सोचिए इस महंगाई के दौर में जहाँ पेट्रोल 82 रुपये लीटर मिल रहा हो, 84 रुपये लीटर मिल रहा हो, वहाँ किसी को 3 साल से सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या पढ़ाएगा? तो गवर्नमेंट को आज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो धोखा दे रही है और जानबूझ के सियासत केवल करना चाहती है। बहुत सिंपल सी मैं चीज़ पूछा, मिनी आईटीआई ऑलरेडी चल रहा है, ये सारे कोर्सेज मिनी आईटीआई में ऑलरेडी आते हैं, उसके एग्जाम कंटेक्ट होते हैं, लेकिन नजर तो नहीं आती मदरसे में, ऐसी तस्वीर देखने को तो ना। देखिए, ये भी इल्जाम है मदरसे के ऊपर, आप अपने शब्द को वापस ले लिए। मैं बता दूं, लखनऊ के सुल्तान मदारिस के 2 स्टूडेंट आए, एक दो उदाहरण छोड़िए सर, बाकी की हम बात कर रहे हैं। अब दो लोग आईएएस और पीसीएस में, बाकी मदरसों की स्थिति क्या है? आईएएस और पीसीएस में सेलेक्ट होने वाले भी लोग अगर काबिल नहीं है और वहाँ के मदरसों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आप बताइए। एक दो उदाहरण को छोड़ दीजिए, चलिए बाकी सब की बात कर लीजिए। पिछले 10 साल में स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हुए 2 बच्चे बता दिए, जो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए स्टेट गवर्नमेंट है, 2 आईएएस या पीसीएस बने हो, मदरसे से निकले सर। मैं बताता हूँ, जहूर जैदी साहब का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, इस समय उत्तरांचल कैडर में आईएएस है, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, और लखनऊ सुल्तान मदारिस के पढ़े में। मानिश जी, क्या आप सहमत है इनकी बात से? नहीं, मैं इनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। हालांकि जो आसिफ कह रहे हैं वो बात सही, कि सारे ऐसा नहीं कि सारे मदरसे जो हैं वो जिन जो हम लोग तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर पेश की जाती है उसी तरीके के मदरसों में, बहुत ऐतिहासिक मदरसे लखनऊ में रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमारा दारुल उलूम देवबंद रहा है, बड़ा ही शानदार इतिहास वहाँ का रहा है। रही बात तो उन्होंने कही कि यूपी बोर्ड से, तो आपको बता दें कि आसिफ जी, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दो ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने देश को सबसे ज्यादा आईएएस दिए। बोर्ड की बात नहीं, मैं देखिए यूपी से पढ़ाई कर रही हूं, चल रहा हूं। देखिए अब इस बात को समझिए कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों तुलना के लायक नहीं है। जिस तरीके का पाठ्यक्रम जो सरकारी स्कूलों में जो चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्कूल है वो, और मदरसों की अगर तुलना करें तो दोनों में बहुत अंतर है। और सिर्फ अंतर इसी का नहीं है, देखिए सारी योजनाएं कहाँ लागू होती हैं, सारी योजनाएं जो है सरकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर लागू हो रही है। लेकिन आप देखिए कि जो स्थिति आज मदरसों की है लगभग वही स्थिति आज संस्कृत महाविद्यालयों की स्थिति है। तो आप देखिए ना कि जो दूसरी जो विधा है एजुकेशन की, उस पर सरकार का कोई बहुत ध्यान नहीं, और चूंकि इस तरीके की पहल हो रही है तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा बुनियादी सवाल जो है मेरा फिर भी वही रहेगा, जो इस बात की आशंका है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी बेहतरीन इमारत को आप डिजाइन कर लीजिए, उस सबसे पहले आपको उसकी बुनियाद ठीक करनी पड़ेगी। अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो आप कितनी भी खूबसूरत इमारत बना दीजिए, वो हल्के से झटके से ही वो ढह जाएगी। बिल्कुल। मतीन खान जी, पहले भी सवाल यही था कि क्या जिस तरीके से मानस जी ने भी कहा कि कदम अच्छा है, पहल अच्छी है, स्वागत करना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए तैयार कितने हैं? क्या इसके लिए तैयारी की गई है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ थोप दिया गया है ये आप पर? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ थोपा गया है, मगर उस थोपने को भी हम कबूल करते हैं। हम ठीक है, हम साइंस टीचर, हम तो साइंस पढ़ा ही रहे हैं, आप हमें पैसे तो दीजिए, टीचरों को तनख्वाह तो दीजिए कम से कम, पेट पे पत्थर बांध के कब तक पढ़ाते रहेंगे मैडम? क्या हालात हैं आज मदरसों के? हम ये तो कह रहे हैं कि दुर्दशा खराब है, वहाँ आईएएस आईपीएस नहीं पैदा हो रहे, हम उनके हालात तो देखें कि क्या हमने उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया, क्या हमने उनको जो है टीचर की तनख्वाहें दी, क्या हमने वहाँ बच्चों को मिड डे मील दिया? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने मिड डे मील नहीं दिया मदरसों को। ये दोहरा राजनीति, दोहरी मानसिकता क्या हो रही है कि मदरसे वाले बिल्कुल वर्स्ट हैं, प्राथमिक स्कूल पढ़ने वाले ही को हम मिड डे मील देंगे, हम प्राथमिक स्कूल पढ़ने वाले एक टीचर ही की तनख्वाहें देंगे,
मदरसे वालों को हम नहीं देंगे, उनको टारगेट करेंगे कि वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, वो गवार हैं। कैसी बात कर रहे हैं मतीन जी, आप पीछे हैं, आप कहते हैं कि हम दबे हैं, कुचले हैं, अल्पसंख्यक हैं, हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, अगर उसके लिए सरकार पहल कर रही है तो आप कहते हैं टारगेट किया जा रहा है, कर रहे हैं कि टारगेट क्यों ले रहे हैं आप, मगर कम से कम आप उनको उनके एतबार से टीचर तो दीजिए आप। ये बात आप नरेंद्र जी पैटर्न लागू करने की बात हो रही है, एनसीईआरटी पैटर्न आप लागू करने जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं देंगे आप, सारी सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जाएंगे, क्या सरकार ने पूरी तैयारी की? देखिए सरकार क्या रोड मैप तैयार हुआ इसके लिए कि ये सब कैसे फॉलो कराएंगे आप? देखिए सरकार सबकी होती है और सरकार का ये दायित्व है कि जो बच्चा शिक्षा ले रहा है वो दुनिया की आधुनिक शिक्षा जो भी दुनिया में उसको आगे बढ़ना है, कंपटीशन बीट करने हैं, आगे नौकरियां लेनी हैं, तो उसके अनुकूल जो उसको शिक्षा सामग्री दी गई वो उसको उपलब्ध होनी चाहिए। कल क्या था क्या नहीं था ये अलग विषय हो सकता है, क्यों नहीं हुआ, जैसा अभी आपने कहा कि भाई वो टीचरों की समस्याएं हैं, ठीक है समस्याएं टीचरों की हैं, वो भी अपनी जगह सही है, बिल्डिंग की समस्या सर, टीचर की समस्या, बच्चों के बैठने की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, जो जहां चल रहा है उसके अतिरिक्त जितना उस बजट के अंतर्गत हो सकता है वो सारा किया जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचार को बाहर कर देंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी कि वो अपना मूर्त रूप ले रही हैं। शिक्षा पहले एक शिक्षा माफिया का केवल एक मकड़ जाल था जो जैसे तैसे चलता था, पहली बार सरकार ने चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जो है सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबके अंदर जो है समान शिक्षा समान अधिकार देने का प्रयास किया है जो सराहनीय कदम है। उन बच्चों का हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन मतीन जी का सवाल यह है कि सिर्फ कदम उठाने से काम नहीं चलेगा ना सर, उसके लिए आपने प्रिपरेशन क्या की, आपने रोडमैप क्या तैयार किया, कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे वहां पर सारी व्यवस्थाएं होंगी, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं देखिए सरकार ने वो तो कह रहे हैं कि आपने थोप दिया, अभी तो बजट आपको लगता है बता रहे थे आपकी सरकार ने बजट लाई कहा कि 406 करोड़ मदरसा पाठशाला के लिए, कुछ नहीं, कहीं पे कोई मामला ही नहीं, नहीं इसके लिए ना उसका कोई अधिकारी ना कोई डिपार्टमेंट ना रजिस्ट्रार को नहीं मालूम, मदरसा अरबी फारसी बोर्ड के रजिस्ट्रार को नहीं मालूम, ना उसके सेक्रेटरी को मालूम, किसी को मालूम ही नहीं, बजट आ गया पता नहीं कहाँ गया। इसके लिए जो मंत्रालय है वो जो मंत्री हैं जो अधिकारी हैं सक्षम वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ। आपने जो सवाल किया कि कैसे होगा, तो सरकार अपने बच्चों को मुफ्त में किताबें देना, मुफ्त में यूनिफॉर्म देना, मुफ्त में स्कूल बैग देना पहली बार हुआ, पहले कभी नहीं होता, तो सरकार का प्रयास जो है वो यही है कि सबका साथ सबका विकास और कम से कम इस नए भारत को, उभरते हुए भारत को, ठीक है सर, जो है एक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाए। शुक्ला जी, जो अब हो रहा है वाकई पहले कभी नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की बेहद हितैषी रही, मुलायम सिंह के आगे मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, आपने तो कभी ऐसी पहल नहीं की, क्या वजह रही इसकी? देखिए और अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी सरकार मुसलमानों के हित में काम कर रही है, उनको आगे मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है, तो नहीं लगता कि स्वागत करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो मैं अपने बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता से, जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बैग बटे, ड्रेस बटी, और ये पहली बार हुआ, तो शायद ये मुझे लगता है कि एक साल पहले इन्होंने सरकार के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बैग उत्तर प्रदेश के बैग गुजरात में बांटे गए, मदरसे की बात न्यूज़ चैनल पे चला है ये, मैं मदरसे के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कोई एक कदम ऐसा उठाया जिससे आपने लगा हो कि हाईटेक करने की कोशिश की आपने? 67% मदरसे को इन्होंने ग्रांट में लिया था। मैं आपको बता दूं, मिनी जैसे मिनी की बात हो चुकी है, मिनी आईटीआई के लिए इन्होंने काम किया है जिसमें साइंस और सारे सब्जेक्ट सिलाई कढ़ाई से लेकर सब चीजें सिखाई और पढ़ाई जाती थी, उसको अनुदान और उसको पैसे, उनके वेतन की व्यवस्था करवाई गई, राज्यांश पूरा समय पे राज्य सरकार माननीय अखिलेश यादव जी देते रहे हैं, लड़कियों के लिए भी जो पढ़े मुख्य धारा से जुड़े उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं हमारी सरकार में मुस्लिम बहनें पढ़े की गई थी, तो हमने अपना पूरा काम किया। लेकिन जैसे मतीन जी बता रहे कि 3 साल से अपना केंद्र सरकार जो पैसा देती थी वो नहीं दी, तो ये कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए कि हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार जो है इनके ऊपर जो है ज्यादा, देखिए अगर बहस बहुत सतही करेंगे तो कभी भी मूल मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या किसी भी सरकार ने अभी तक ये अध्ययन किया कि मदरसों के लिए क्या क्या जरूरतें होनी हैं और उनको कैसे पूरा किया जाएगा? विभा शुक्ला जी, क्या आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने या बीजेपी की सरकार ने? देखिए हमारी सरकार ने
मैंने बताया ना, जो हमारी सरकार में हुआ है, उर्दू में भी विशेष, उर्दू और फारसी के लिए भी काम किया गया, हमने इतने सारे काम किए और मदरसों की स्थिति जो सुधारने की भी बात की है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बता दूं, वो नहीं है, देखिए सवाल देखिए कि धार्मिक शिक्षा कभी गलत शिक्षा नहीं हो सकती। इनका जो पैटर्न है वो सही है। धार्मिक शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा भी यहाँ लोगों को मिल रही है, तो हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हवा में ना रह जाए, हवा में ना रह जाए। मोदी सरकार का हर काम हवा में रह गया है, हवा में बात, ये हवा में ही है। देखिए हवा में बात आप कर रही हैं, अभी आप जिस तरीके से आपने शिक्षा स्कूल की, आप मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्वेटर नहीं बात की है योगी सरकार, आप स्वेटर की बात कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आप जो है मदद के लिए बहुत बड़े स्वेटर में मत घुमाइए, स्वेटर में मत घुमाइए। मेरा सवाल सीधा और सपाट सवाल है, कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े सीधा और सपाट सवाल है, पूरी पूरी बीजेपी हितैषी नहीं है। आपने, आपकी सरकार 5 साल रही, उत्तर प्रदेश में मदरसों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या सरकार ने इन 5 सालों में कोई अध्ययन किया, कोई रिपोर्ट तैयार की? मैंने कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाया। देखिए मैंने जो किसी भी तरह का कोई, बस खाली ये था कि मैं बता दूं, 100 मदरसे ग्रांट इन डेट पे लिए थे और मदरसा पोर्टल पे लाने के लिए आजम खान साहब ने बड़ी कोशिशें की कि साहब ये सब आधुनिक हो जाना चाहिए। ये तो काम किए हैं कि साहब वो साइंस सारा इंट्रीज जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। मेरा बुनियादी सवाल मगर समाजवादी पार्टी ने कोई इस तरह से बैठ के मदरसों के अपलिफ्टमेंट के लिए मेरा जिस मुद्दे जब केंद्र सरकार सहयोगी नहीं करेगी तो कैसे होगा? केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, कैसी बात कर रही है आप? केंद्र में आप एक मिनट रुक जाइए, मुसलमानों के मदरसों के लिए टाइम से बजट बना करके यूटिलाइजेशन बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा। और विभाजी इस बात से आप कैसे इनकार कर सकती कि 10 साल आपने यूपी की सरकार को समर्थन दिया, अगर मुसलमानों के प्रति, मदरसों के प्रति आपको इतनी हमदर्दी थी तो क्यों नहीं आपने केंद्र की सरकार को आपने बाउंड किया? क्या केंद्र की सरकार आपको मना कर देती कि वो मदरसों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करेगी? ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आपने प्रपोजल क्यों नहीं भेजा? देखिए हमेशा हमने भेजा, हमने हमेशा केंद्र सरकार से कहा है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन आज मुद्दा बात है, आप पहले तो देखिए, आप कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बता दें कि मिनी आईटीआई का काम जो है यूपीए सरकार ने किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मिनी आईटीआई स्टेट गवर्नमेंट की योजना भैया, मिनी आईटीआई की वर्किंग ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी, उसका पूरा पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं मदरसों पे आप बताइए, मदरसों के लिए मिनी आईटीआई थी? मैं ये कह रहा हूँ कंप्यूटर की प्रणाली तो कांग्रेस ने दी। आसिफ, जो विभा शुक्ला जी कह रही कि उन्होंने प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजा, केंद्र ने कोई काम नहीं किया, आप इनकी बात से सहमत हैं इनके आरोप से? तो आपको जो बात कह रहा हूं आप समझिए, मिनी आरटीआई लाने का काम कांग्रेस ने किया, मदरसों को भी दिया, मदरसों में मिनी आरटीआई आ रहा है, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त हुई और उस कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने बाद एग्जाम देने का प्रोविजन बनाया, एग्जाम दे और पैसा लें। चलिए ठीक है, एक बात मुझे और कहने दी, एक बात मुझे और कहने दी, और कांग्रेस किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती है। आज मध्यमा पद्मा की हालत देख लिए, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने बंद किया था, आज तक वो बोर्ड खुला नहीं है, उस बोर्ड में एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे हैं, इलाहाबाद का वो बोर्ड बंद पड़ा हुआ है। और आज मुझे शर्म से करना पड़ता है कि इस देश के अंदर वो सरकार है जो कहती है मैं संस्कृत को बढ़ावा दे रही हूँ, संस्कृत का यूपी का बोर्ड बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जवाब दे रही हूँ। जवाब नरेंद्र सिंह राणा जी देंगे। राणा जी, अच्छा एक मिनट पति साहब, प्लीज पति साहब, बस एक मिनट लूंगा। राणा जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने कोई काम नहीं किया, केंद्र की इनकी सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप बताइए कि आप कितनी ईमानदारी और साफगोई से मदरसों की भलाई के लिए, उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको उच्चतर करने के लिए किस तरीके के प्रयास करेंगे और क्या रोडमैप आपके पास है? नहीं देखिए, बहुत सही सवाल है, ये सरकार किसी की भी हो, जो सरकार के संसाधन होते हैं वो आम आदमी के हित में लगने के लिए होते हैं। सरकार ने सबसे पहले, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने मदरसों के नाम पर बंदर बांट की, आपने देखा सरकार ने सबसे पहले ऑनलाइन, ये बंद हुई। बंद क्यों हुई? क्योंकि जब सरकार ने पूछा है कि सरकार का एक रुपया हो चाहे अनेक रुपया हो उसका हिसाब दीजिए, अपना कुछ नहीं, और आप है। आगे हमसे लीजिए, नहीं हम बता रहे हैं कि आगे हमसे लीजिए, तो कई हजार मदरसे जो है वो
ये कह कर कि पहली बात तो मदरसे नहीं थे, दूसरे थे तो उन्होंने कहा साहब हम अपने पैसे से चलाएंगे, हमें सरकारी पैसा नहीं चाहिए। कितने मुल्ले मौलवियों को पालने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल किया था। लैंग्वेज देखिए, सुनिए ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो लोग धन खाए हैं, जो लोग धन हड़पे हैं, वो वोट के ठेकेदार बने थे, उन लोगों के सरकार के पैसे का हिसाब लिया जाएगा। और सरकार ने कितनी सीबीआई जांच कराई, अभी भी कराया जा रहा है। कुछ नहीं मिला सीबीआई जांच में। सरकार के धन का बंदरबांट नहीं हो पाएगा। जवाब मतीन खान साहब देंगे। मतीन साहब, कितनी बंदरबांट हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसों के नाम पे? खुले बंदरबांट जो हिसाब समाजवादी पार्टी ने, आजम खान साहब ने तो ये कहा कि भाई हम इसमें पारदर्शिता लाए, उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम किया, ये तो बड़ा सराहनीय काम किया। और यहाँ पर ये भाई साहब जो कह रहे हैं, इनका तो इंटेंशन ही सिम्मदारी से अरबिया उसको बंद करना चाहते हैं। कोई बंदरबांट नहीं हुई थी उस वक्त? कोई बंदरबांट नहीं, बाकायदा बच्चे आपने सरकार का पैसा लिया है और सरकार का पैसा आपने खाया है तो रिपोर्ट दीजिए। फर्जी पाए गए, कोई शिक्षा नहीं, कोई शिक्षक नहीं, केवल और केवल जनता के धन के साथ लूट की गई और केवल चंद लोगों को खुश करके समाजवादी पार्टी की सरकार ये हरकत करती। समाजवादी समाजवादियों के काम पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जो पैसा गया है उसका हिसाब आपने बच्चों का पैसा ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं और इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विवाह शुक्ला का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी मदरसों को टारगेट कर रही है, कौन से पैमाने से यह तय किया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सच होगा कुरान कंप्यूटर के संग होने का सपना। जी हाँ, एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर। योगी सरकार ने अब वो आदेश दिया है, कल एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है कैबिनेट में। अब मदरसे में भी एनसीईआरटी का पैटर्न लागू होगा, बच्चों को सारे सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जाएंगे। निश्चित तौर पर देखना होगा क्या वाकई दीनी तालीम में इस बदलाव को मदरसे आसानी से स्वीकार करते हैं और इस फैसले का कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा, शिक्षा का स्तर कितना बदलाव के साथ देखने को मिलेगा मदरसे में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मतीन जी, आप और विवाह शुक्ला दोनों ये कह रहे थे कि टारगेट किया जा रहा है, नियत ठीक नहीं है। सवाल मेरा ये कि आखिर वो कौन सा आप पैमाना लेकर आते हैं, कौन सा थर्मामीटर, कौन सा पैरामीटर है जिससे नियत नापी जाए कि नियत सरकार की सही है गलत है? हाँ देखिए, अभी जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं या जो भी योगी सरकार जब से आई है, कभी पोर्टल के नाम पर, एक तरफ संस्कृत बोर्ड देख लीजिए, क्या वहाँ पोर्टल नियत को आप कैसे नापेंगे? अब वही तो बता रहे हैं, पोर्टल पर आपने कहा कि नियत ठीक नहीं है, तो मैडम एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया तो नियत ठीक नहीं है, उसमें कैसे नियत को नापेंगे? एक तरफ संस्कृत बोर्ड है, आप वहाँ पर भी जांच करा लेते। संस्कृत के लिए करें तो आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, मदरसे के लिए कुछ नहीं कर रहे, मदरसे के लिए करते हैं तो आप कहते हैं कि नियत ठीक नहीं है। पैमाना आप कैसे चेक करेंगे? कैसी बात है? क्या कोई एक पैमाना आप दे दिए, हम उससे लाके चेक कर दें? तो आपसे पैमाना बेसिकली जो है भाई, एक तरफ संस्कृत बोर्ड है, एक तरफ मदरसा बोर्ड है, आप मदरसा बोर्ड में तो सारी जांचें करा रहे हैं, क्या गलत है? आप सरकार नजर रख रही है तो क्या गलत है? तो कहां पैसा देगा उसकी जांच होगी? हां,
पैसा सरकार का सरकार जो है वो बिल्कुल सबकी सबके सबके अनुदान जो दिया गया है उस अनुदान का हिसाब दे। नरेंद्र जी, संस्कृत बोर्ड का आप क्यों नहीं चेक कराते हैं, क्यों वहां पर जांच नहीं कराते? सब जगह हो रही है, ये आपको लगता है कि वो विरोध नहीं है? वो एक भी पैसा यदि गलत विड्रॉ किया गया जो मदरसों के नाम पर, क्यों मदरसों की हालत सुधारने में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको, या आपको इंटरेस्ट ये इस बात में है कि दूसरे विद्यालयों में क्या हो रहा है? नहीं, इंटरेस्ट आपका किस बात में ज्यादा है? मैं अपलिफ्टमेंट चाहता हूं, मगर आप अपलिफ्टमेंट चाहते हैं तो मेरा बांध के कैसे पढ़ाया जाए? वाजिब वाजिब सवाल है आपका, वाजिब बड़ा ही वाजिब सवाल आपने किया। नहीं, बड़ा वाजिब सवाल का विभा जी बड़ी तारीफ कर रही है। दूसरा सवाल ले लीजिए। सरकार जब अखिलेश यादव की जाने वाली थी उससे करीब 8 महीने पहले आपको याद होगा बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था जिसमें तमाम प्रदेश भर के मदरसा शिक्षकों को बुलाया गया था। वहां पर अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार जाने से पहले पहले वो वेतन का जो समस्या है जो है वेतन की वो सुलझा देंगे। क्या समस्या सुलझी? वेतन मिल गया सबको? नहीं, नहीं, उस सरकार से पहले उन्होंने जिस वक्त कहा था तभी उन्होंने 200 रुपये राज्यांश की जो रकम 2000 रुपये शुरू की है वो उसी वक्त शुरू की। उससे पहले राज्यांश नहीं था, भारत सरकार सिर्फ मदरसा आधुनिकीकरण को जो सेंट्रल फंड है बस वही मिलता था, जैसे 6000-8000 मिलता था। सेंट्रल से आपको मिलता रहा ना, मदरसों को? सेंट्रल को से मदरसों को मिलता रहा। अभी मिल रहा है? अभी 3 साल से नहीं मिला बता रहे हैं, 3 साल से पूरे पूरे यूपी भर के मदरसे में। मैं यूपी के बारे में जानता हूँ, सेंट्रल पूरे दुनिया पूरे हिंदुस्तान में नहीं जानता। किसी भी साइंस टीचर को एक दिन की भी तनख्वाह नहीं। ठीक है सर, एक और भेदभाव, आप साइंस टीचर को सैलरी नहीं दे रहे, दूसरी ओर आप कह रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न से हालात बदलेंगे। अगर पहले से मिलता रहा था, अगर कांग्रेस सरकार देती रही थी तो बंद करने की मोदी सरकार को क्या जरूरत थी? सर देखिए, इनका कहना है, ये कह रहे हैं सरकार ने किसी का एक रुपया बंद नहीं किया, सरकार ने केवल जो सरकार का पैसा मतलब आम आदमी का पैसा, वो क्या सही खर्च हो रहा है या केवल एक नेम प्लेट लगाकर आप वो अनुदान डकार रहे हैं? ये जब जांच के दायरे में आप आए हैं, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने लगातार ये पूछा कि आप ठीक हैं, आप अपना मदरसा दिखाइए, आपका जो है स्थल निरीक्षण होगा, क्यों आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? और पता नहीं 21,000 या कितने हैं जो आए नहीं, उन्होंने कहा कि साहब हमें जरूरत नहीं पैसे की, लेकिन जो पैसा आपने ले लिया जो मदरसे के नाम पे, जो बच्चों के नाम पे धन गया, 19,000 के करीब मदरसे मान्यता प्राप्त है, ये नहीं जो मान्यता प्राप्त है उनको मिल रहा है, उन्हीं के लिए कि सही को हक मिले और जो जो नहीं है उनको ना मिले। कौन नकार देगा? क्यों नकार देंगे? लेकिन जो रजिस्टर्ड कराएंगे, जो अनुदान लेंगे, नहीं, जिन्होंने नहीं कराया वो रजिस्टर्ड है, वो नहीं कराया, अरे हम क्यों नकार देंगे किसी को जो है? लेकिन आपको सरकार के पैसे का हिसाब देना चाहिए और आप हिसाब दीजिए और ये हिसाब सरकार सब देते हैं, सब सरकार देते हैं, सरकार का पैसा लिया जाता है। नहीं नहीं, आपका कोई वो नहीं, आपका कोई फालतू या गैर फालतू नहीं, सरकार कभी फालतू बात नहीं करती, सरकार जो जायज बात करती है वो जायज बात का जवाब देना चाहिए आपको। ये वो सरकार नहीं है जो टोपी लगा के डर जाएगी, आप टोपी लगा के आएंगे आप डरा देंगे, वो अखिलेश यादव नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने पैसा लिया किस नाम पे लिया आपने, क्या करेंगे? कांग्रेस के स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ हैं, आप दो मिनट सुनिए भाई, एक चीज में लिया आप सही आपको हिसाब देगा, आप टोपी लगा के धन लेने बार बार इसलिए
योगी इकट्ठे हो गए और आपने कहा बच्चों के नाम पर, कोई शिक्षा के नाम पर, कभी चिकित्सा के नाम पर, आप जो है ये सरकार करेगी नहीं, आपने चीजों को नहीं करेगा। आसिफ जी, मुझे ये बताइए, ये टोपी या मुल्ला मौलवी, ये हम बाद में बात करेंगे। आप कह रहे थे कि संस्कृत विद्यालय को लेकर आपका कोई सवाल था। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सारी कायात इसलिए चल रही है कि जो ताकि असल मुद्दों से मुद्दा हट के ये फालतू के मुद्दों पे टाइम वेस्ट कर दिया जाए। बहुत सिंपल सा मेरा जवाब है, सरकार सुन लीजिए मेरी बात, ये जो आप लोग भाषण बैसा कर रहे हैं, छोटा सा निवेदन है, सरकार को हर वर्ग के बारे में बराबर से सोचना चाहिए, ठीक है। आज वो मुसलमानों के में ये बात सोच रही है, मिनी आईटीआई थी, और आपको बता दूं मिनी आईटीआई में जब कोई आदमी एडमिशन लेता है तो उसके बाद उसको एग्जाम देना पड़ता है, जब वो एग्जाम पास कर लेता है उसके बाद पैसा मिलता है। तो जांच किस तरह से कर रहे हैं, जब आपको ये नहीं पता कि उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है। आसिफ जी, आप दूसरा सवाल सुन लीजिए मेरा, नहीं ये मेरा सवाल, भाई बात सुन लीजिए आसिफ जी, एक तरफ आप मदरसे को अफिलिएट करने की बात कर रहे हैं आसिफ साहब, या दूसरी तरफ आपने मध्यमा बोर्ड को बंद कर दिया। आप बार बार उस पर मत जाइए। देखिए आसिफ जी और मतीन साहब दोनों सवाल है, आप लोग इस पर चर्चा क्यों नहीं करते जो 27 गुरुकुल पद्धति के जो मुस्लिमों के लिए जो आश्रम खोले गए, जिस तरीके से दलितों के लिए खोले गए, उस पर क्यों चर्चा करते हैं? वो भी तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा दे रहे हैं। पूरे पूरे देश भर में मैं कह रहा हूँ 27 ऐसी लोकेशन, मैं कह रहा हूँ सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में खोले सरकार ने, मदरसों की बात नहीं कर रहा, गुरुकुल पद्धति अच्छा काम किया है अल्पसंख्यकों के लिए, पूरे देश में 27 खोले गए, मैं कह रहा हूँ अच्छा किया, लेकिन ये केवल एक ही कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं मुसलमानों की? क्यों भारत की संस्कृति संस्कृत विद्यालय को बंद कर रहे हैं? आप संस्कृत उस बोर्ड को क्यों बंद कर रहे हैं? संस्कृत पे क्यों चोट कर रहे हैं आप? संस्कृत पे बिल्कुल चोट करेंगे, अगर 80% आबादी को आप झूठ बोलेंगे उसके बारे में बात नहीं, नहीं तो क्या 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 तो धोखा दे रहे हैं, नहीं क्या 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 मतलब नहीं बोलेगा क्या नहीं है, सुनिए क्या क्या मतलब आपके कहने मतलब है कि हिंदू की संस्कृति को खत्म कर दें? नहीं, किसी संस्कृति को खत्म नहीं करेंगे, सरकार के बारे में कुछ नहीं, किसी संस्कृति, देखिए ऐसा ना कि हिंदू पद्धति के बहुत सारे विद्यालय हैं, एक मिनट आसिफ जी मेरा सवाल लीजिए, सारे विद्यालय हैं, थोड़ा सा रुकिए आसिफ जी, एक मिनट रुकिए जरा, आप कह रहे हैं कि अब आपको बीजेपी की सरकार मुस्लिमों के हितैषी लग रही है और हिंदुओं के खिलाफ है, कल तक आप ये कह देते कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी सरकार, ऐसे कैसे विरोधी, ऐसा कैसे, कुछ कहते हैं करते कुछ है, कल तक आप सरकार मुस्लिम विरोधी के बारे में क्यों, आज आप कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हो रही है, मैं कह रहा हूँ मध्यमा मुस्लिम बोर्ड को, सुनिए मध्यमा पद्यमा बोर्ड के एडमिशन राजनाथ सिंह जब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने बंद करे, हाँ। जब वो गृह मंत्री हुए, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो साहब उन्होंने मध्यमा पद्यमा बोर्ड को बंद कर दिया। आज संस्कृत से कोई हाईस्कूल इंटर कैसे कर सकता है? हाईस्कूल इंटर करेगा तो उसको एडमिशन मिलेगा, अदीबे कामिल अदीबे माहिर करेगा तो उसको एडमिशन मिलेगा, लेकिन मध्यमा पद्यमा करना चाहेगा तो आपने वो बंद कर दिया, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मध्यमा पद्यमा किया है उनको आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं देंगे। राणा जी एक आंकड़ा ये है कि इस देश में मदरसों में पढ़ने वाले 90% जो स्टूडेंट्स जो लड़कियां होती हैं वो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो ऊपर शिक्षा तक नहीं जाती है, तो मदरसों में ऐसा क्या बदलाव कर देंगे कि लड़कियों को भी शिक्षा वहां पे मिल सके, क्योंकि 90% का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए दो सवाल हैं, एक तो जो आसिफ जी कह रहे हैं 2000 में राजनाथ सिंह बने थे जी, उसके बाद तो बीजेपी की सरकार नहीं आई जी, क्यों सरकारों ने नहीं शुरू किया? अगर उन्होंने गलत फैसला किया तो आप भी नहीं करेंगे, अगर गलत फैसला था तो क्यों नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे, नहीं क्यों नहीं किया गया? 2000 की बात आप 2018 में कर रहे हैं, 18 साल से यदि सरकारों ने की समाजवादी पार्टी दोषी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी ने गलत किया, उसने काम नहीं किया तो आप नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी की क्या बताया जाए कि सरकार ने राजनाथ सिंह ने बंद किया तो मुलायम सिंह ने क्यों चालू किया, अखिलेश यादव ने क्यों चालू किया, मायावती ने क्यों चालू किया, बंद क्यों किया, आप बताइए कि क्यों किया, बंद क्यों किया, आप बोलिए ना, आप उसको बताते कि हमने जो है ये गलत काम किया, नहीं नहीं ये आरोप लगाने से काम नहीं चला, आपने जवाब देना पड़ेगा कि आपने 18 साल में क्या किया, 18 साल केवल आप जो है तमाशा करते रहे या 18 साल इंतजार करते रहे कि योगी सरकार आएगी तब खुलेगा, तो आपने नहीं किया। सबका पैसा सबका लेना 70 साल से लक्ष्मी जी 70 साल से जो लूट इन देश के अंदर हो रही थी सरकार आपने
इस समय आ रही हूँ आपके पास, ये बताइए मुझे जो ये आप पहल देख रहे हैं वाकई विकास की पहल है मदरसे में या फिर ये भी एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में आप देख रहे हैं? ये राजनीतिक एजेंडा है, अगर ये सत्यता है तो आज राणा जी बैठे हैं सरकार, लेकिन आसिफ जी कह रहे हैं कि चाहते हैं कि मदरसों का अपलिफ्टमेंट हो, आज ये तय करके उठे यहाँ से कि सरकार से इम्प्लीमेंट कराएं सीआरटी की बुक्स को जो है इम्प्लीमेंट कराएं और जो बचे हुए टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह नरेंद्र जी ऐलान करें। विवाजी प्लीज वेट करिए, नरेंद्र जी बिल्कुल सही कहा, जितने बच्चों को किताबें मिलनी है किताबें मिलेंगी, शिक्षकों की समस्याएं आप जानते हैं, तमाम शिक्षक संघ हैं समय समय पर नहीं धरातल पे विभाजित लगते हैं, हमेशा मिली है और वो विद्यालय जो जहाँ शिक्षक की कमी है वहाँ शिक्षक की जाएगी, जहाँ तनख्वाह की कमी है वहाँ तनख्वाह दी जाएगी, आप उठाइए और बताइए कि क्या क्या कमी है, वो सारी कमियां दूर की जाएगी करेगी। लेकिन कम से कम जो पैसे हैं बाहर निकलते ही पैसे की जरूरत पड़ती है, यदि ग्रांट देंगे पैसे देंगे तनखा देंगे बच्चों को सुविधा देंगे, बहुत शुक्रिया ऐसा जुड़ने के लिए, कुछ नहीं होगा, बहुत शुक्रिया ऐसा जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो गया, आज हमने अखाड़ा में इस बात पर चर्चा की क्या वाकई सच होने जा रहा है एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान का सपना, क्योंकि अब मदरसे में भी एनसीईआरटी का पैटर्न लागू होने जा रहा है, देखना होगा कि हालात मदरसों के कितने बदलते हुए नजर आएंगे। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।